तो हेलो दैंग पुसास, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी का कॉन्करर हो गया होगा। भाई जिसका नहीं हुआ होगा उसके लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूँ। तो प्लीज़ यार पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ। तो अब हम आपको बताएंगे कि कभी कभी बंदों का 10-20 का प्लस चाहिए होता है कॉन्करर होने के लिए, और वो कुछ गलती कर देते हैं, प्रेशर में आके खेलते हैं और माइनस खा जाते हैं। तो आपको मैं यही बताऊँगा कि अगर आपको 10-20 का प्लस चाहिए तो आप उसको कैसे आराम से ईजी तरीके से कैसे उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, आहिस्ता आहिस्ता खेलना है। भाई मुझे भी डीमोटिवेट मत होने दो यार, प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब करो। ओके तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये जो यहाँ पे 37 बंदे अलाइव हैं और ये पांचवा सर्कल है। तो यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे बंदे हैं और इसमें मेरे केवल सिर्फ एक किल है और मुझे 10-15 के प्लस करने हैं केवल। तो इसमें मैं देखना कैसे सर्वाइव करता हूँ, कैसे रोटेशन करता हूँ। तो आज मैं आपको दो गेम प्ले दिखाने वाला हूं और दोनों में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहां पे देखिए जोन लगभग श्रिंक होने वाला था और यहां पे मैं अपनी गाड़ी घुमाता रहता हूं। तो जोन में एंट्री करने से पहले सबसे पहले आपको अपना हीलिंग एकदम से फुल कर लेना है और बूस्ट एकदम से फुल कर लेना है। तो जैसे आप अगर जोन में एंट्री करते हैं तो आपको अपनी गाड़ी वाड़ी कहीं रोकनी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बंदा कहीं पर आसपास होल्ड किया रहता है और तुरंत मार देता है आपको। ऐसा मेरे साथ में कई बार हुआ है। ओके तो यहाँ पर मैं गाड़ी अपनी एक बार रोकता तो हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मेरा हीलिंग तो थोड़ा सा खाली था बट यहाँ पे बूस्ट मेरा फुल था, फिर भी मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ हीलिंग बूस्ट फुल है, हीलिंग धीरे धीरे करके पूरा हो जाएगा। तो आपको बूस्ट फुल रखना है और ट्राई करना है कि अपना हीलिंग भी फुल रखना है। तो यहाँ पे देख लो बीच में बगल में कंपाउंड है, घर है, बट मैं घर के साइड से नहीं जाता। सामने यहाँ पे मुझे एक गड्ढा दिखता है, मैं सोचता हूँ इधर पे चल के रोक लूँगा, बट मैं यहाँ पे जाकर तुरंत रुकता नहीं। यहाँ पे आता हूँ, जैसे ही यहाँ पे मुझे दिखता है कि यहाँ पे कुछ बंदे रुके हैं तो यहाँ से मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे बंदे रोटेशन कर रहे होते हैं, तो बंदे अगर रोटेशन कर रहे हों तो फिर आप शांति से रुकिए और रुक के उनपे आराम से स्प्रे लेने का ट्राई करिए और बंदे यहाँ से आराम से हट जाएंगे और उसके बाद ये पोजिशन आपका हो जाएगा। ऐसा हर बार होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे पीछे से पड़ने का भी डर रहता है। भाई यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा स्प्रे तो करता हूँ बट पता नहीं इस बंदे को कुछ लगती भी नहीं, एक भी गोली नहीं लगती, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था भाई आगे से भी पड़ सकता है, पीछे भी पड़ सकता है, इसलिए मैं गाड़ी इधर से उधर मतलब कि किए जा रहा था और थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी ले रहा था कि कहीं आसपास कोई बंदा ना हो। फिर मैं इधर पे आता हूँ, इधर पे आने के बाद लेफ्ट में मैं सोचा था कोई बंदा ना हो, बट लेफ्ट में थोड़ा सा ओपन था, वहाँ पे बंदा घास पे लेट नहीं सकता था। तो मुझे पता चल गया कि भाई लेफ्ट में कोई बंदा नहीं होगा। फिर भी मैं यहाँ पे आगे आके थोड़ा सा देखता हूँ, क्योंकि मेरा लेफ्ट और राइट लगभग क्लियर था तो मैं यहाँ पे पिक कर सकता था। तो अगर आपके पास से जोन हल्का सा आगे है तो आपको अपने आगे का देख लेना है पहले, ठीक है, क्लियर कर लेना है कि भाई अभी मैं आगे जाऊँगा तो वहाँ पे कोई बंदा होल्ड तो नहीं कर रहा है। तो ये सब आपको क्लियर कर लेना है, ठीक। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे जोन श्रिंक होता है तो आपको अपना फुल बूस्ट वगैरह करके फिर निकलना है। तो मुझे पता चल गया था भाई यहाँ पे आगे स्ट्रेक पे एक बंदा होल्ड कर रहा है, तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं सोचता हूँ जोन में हल्की सी एंट्री लेके छोड़ दूंगा, बट यहाँ पे ये ऊपर रिच कवर रहता है, यहीं पे मैं रुक जाता हूँ। मुझे पता था ये बंदा जो शेक वाला है कहीं ये पीछे से मुझे मार न दे, इसलिए मैं इसी के ऊपर ध्यान रखता हूँ, फिर बाद में देखना। तो बंदा इधर से जैसे ही निकलने का ट्राई करता है उतने में इसको मैं आराम से मार देता हूँ। मारने के बाद यहाँ पे मैं जोन में तुरंत एंट्री करता हूँ। जोन में आने के बाद यहाँ पे अभी बचे थे 11 बंदे, तो यहाँ पे टॉप 10 अभी नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ पे शांति से कुछ देर तक यहाँ पे होल्ड करता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे 2 ही किल हुए थे और मुझे थोड़े किल की भी ज़रूरत थी। अगर आप चाहें तो आपके पास अगर ढेर सारे किल हैं तो यहीं पे आराम से ले सकते हैं, और अगर आपको किल चाहिए तो भाई थोड़े इधर उधर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मुझे बग्गी का साउंड आता है, उसको मारता तो हूँ बट लगभग कुछ लगती नहीं। फिर यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ जो है रोटेट कर रही होती, देखा मैं तुरंत पेड़ के पास आ जाता हूँ ताकि वो बंदा मुझे मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा के मुझे मार ना पाए, ठीक है। अगर आप ओपन में स्प्रे कर रहे हैं तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कवर में रहें थोड़ा सा, मतलब कि कहीं ताकि आप लड़ा के कोई बंदा आपको मार ना सके। फिर उसके बाद यहाँ से एक बग्गी जाती है, और भाई इसको भी लगातार 2 हेडशॉट मार के आराम से उतार दिया।
इसको मारने के बाद मेरे यहाँ पे 3 किल हो गए थे। फिर यहाँ पे जोन मेरे से हल्का सा आगे शिफ्ट हो चुका था, तो फिर यहाँ पे मैं अपनी बग्गी उठाता हूँ और एकदम से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आगे आता हूँ। यहीं पे पत्थर पे मुझे अच्छा कवर दिख रहा था दोनों तरफ से, एक साइड मुझे बग्गी का कवर, एक साइड गाड़ी का कवर, वो पत्थर का कवर मिल गया। तो यहाँ पे सामने बंदा है जो अभी तो मतलब एक बग्गी आती है, इसको भाई लगभग यार इसको उतार ही देता, पता नहीं कैसे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, बट इसको भी पूरा डैमेज कर दिया था। फिर यहाँ पे ये बंदा रहता है, तो देखना इसको कैसे उतारते हैं कैप्सूल कार वाले को। तो यहाँ पे मुझे दोनों साइड कवर मिल रहा था और यहाँ पे मैं आराम से किल निकाल के खेल सकता था, तो इसको भी आराम से उतार दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में मुझे क्लियर था, कोई बंदा अगर आएगा तो उसको ओपन में आना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बग्गी आती है, M416 का एमओ खत्म हो जाता है, फिर मैं बैरल निकालता हूँ। ये वही बग्गी वाला बंदा रहता है जो पहले से काफ़ी डैमेज रहता है, फिर इसको मार देते हैं। इसको मारने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ लूटने, और यहाँ पे ये BRDM रहती है, तो मुझे ऐसा लग रहा था भाई BRDM वाले से मुझे कुछ ज़्यादा खतरा नहीं था, इसलिए मैं आँख बंद करके लूट रहा था। फिर भी मैं सोचा यार इसको थोड़ा सा डरा देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर मैं पूरा स्प्रे करता हूं और इसका BRDM ज़्यादातर डैमेज कर देता हूं ताकि मेरे पास से चला जाए। वैसे मैं चाहता तो भाई इस BRDM वाले को पूरा फिनिश कर देता, इसका किल ले लेता, फिर बाद में इस बंदे का किल कोई और ले लेता है, मुझे थोड़ा सा तो पछतावा होता है बाद में। फिर यहाँ पर मैं जोन यहाँ से जा चुका था, तो मैं अपनी बग्गी उठाता हूँ, बग्गी उठा के मैं इन्फॉर्मेशन लेने आ जाता हूँ भाई बंदे कहाँ कहाँ मतलब कैसे कैसे कौन होल्ड कर रहा है। तो ऊपर वहाँ मैं सोचा सेक पर अगर कोई बंदा नहीं होगा तो वहाँ पर बैठ जाता हूँ, बट बंदा मुझे काफ़ी गंदे तरीके से डैमेज कर देता है। और मैं यहाँ पीछे आता हूँ, अपने आप को हिल करता हूँ, हिल करने के बाद देखना मैं कुछ गलतियाँ करता हूँ, आपको वो सारी गलतियाँ बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। तो यहाँ पे मैं टॉप 10 हो चुका था, मेरे 5 किल भी हो चुके थे, जो कि 1 किल स्टार्टिंग में था और 4 किल जो लास्ट के सर्कल में ही हुए थे, तो मेरे लिए काफ़ी था। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे थोड़ा मैं रिस्क ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं गाड़ी घुमाता हूँ और बंदे को देखना चालू कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ इधर घास पे कोई बंदा लेटा होगा, उसको मार लेंगे। फिर मैं दोबारा उधर जाता हूँ, तो भाई दोबारा मैं इसके आगे जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके आगे भाई और बंदे आ सकते थे और मुझे आराम से उतार देते, वैसे ये बंदा मुझे काफ़ी डैमेज कर दिया। फिर यहाँ आने के बाद भाई मैं अपने आप को हील करता हूँ, हिल करने के बाद देखना मैं क्या गलती करता हूँ। भाई मुझे यहाँ से व्हीकल लेके जाना चाहिए था, नहीं तो मुझे थोड़ा स्मोक करके जाना चाहिए था, बट मैं यहाँ पे ओपन में थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट करके आगे चला जाता हूँ पैदल ही। मैं सोचा यार उस बंदे को पैदल जाके ताकि उसको मेरे पैर का साउंड ना आए और उसको आराम से मार दूँगा। फिर भी यहाँ पे मैं #4 पे मरा और #16 का प्लस है, देख सकते हैं कितने आराम से खेला, प्यार से खेला। फिर भी इस मैच में मुझे और लास्ट में किल मिल ही गए। फिर यहाँ पे दूसरे मैच में फेवरेट प्लेस पे उतरता हूँ, उतरते ही मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, और यहाँ पे मुझे 3 किल मिल भी जाते हैं। तो आप आसपास के गन का साउंड सुन के भसड़ दे सकते हैं यहाँ पे कितने सारे बंदे आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं शांति से बैठा रहता हूँ और यहाँ पे सामने एक बंदा था, उसका वेट करता हूँ कहीं ऊपर आए तो उसको मार दूँ। फिर उसके बाद मैं ऊपर चला जाता हूँ, मैं सोचता हूँ थोड़ा सा लूट वूट कम्प्लीट कर लिया जाए और आपके पास यहाँ पे 2-3 किल हो जाए तो भाई थोड़ा जल्दबाजी मत किया करिए, आराम से खेला करिए। वैसे भी यहाँ पे कुछ आपको सर्वाइवल मिल जाता है, तो आराम से, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, ठीक है। तो चारों तरफ देखता हूँ बट यहाँ पे मुझे कोई बंदा नहीं दिखता। फिर मैं ऊपर आता हूँ और इधर पे देखना, यहाँ पे ये बंदे मिलके एक बोट को मार रहे होते हैं जिनसे मैं एक किल चोरी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद देखना यहाँ पे भाई यहाँ पे ये बंदा हल्का सा पीक करता है, इतना थोड़ा सा, और मुझे को आराम से मार देता है। और यहाँ से मारने के बाद मैं आ जाता हूँ स्कूल पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई बंदा तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं ड्रैगन बॉल पेटी लूटता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक बोट भी दिख जाता है और बोट को ही मारने के बाद यहाँ पर मुझे 4-5 किल मेरे हो गए थे। तो यहाँ पर वैसे एक बंदा जाता है,
भाई बंदे को देख के मेरी तो भाई एकदम से फट गई। वैसे मैं सोचा बंदा इस साइड से गेट से अंदर आएगा, बट ये बंदा उधर से आ गया। उतने में मैं इसको साउंड सेंस का हल्का सा यूज करके इसको आराम से मार दिया, तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करने का। फिर उसके बाद यहाँ से ये जोन स्टार्ट होने रहा था, अपार्टमेंट में भी कुछ बंदे थे, तो मैं सोचता था भाई जल्दी से जल्दी गाड़ी उठा लिया जाए और उधर से निकला जाए। तो ये हो गया मेरा अर्ली रोटेशन, ठीक है। पिछले मैच में काफ़ी लेट रोटेशन किया था, तो बट इस मैच में मैं थोड़ा अर्ली रोटेशन कर रहा हूँ। और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बंदे, सारे बंदे अब लेट में रोटेशन करते हैं और जो बीच का जगह है शेक वगैरह कंपाउंड वगैरह कभी कभी खाली रह जाता है, तो आपको ये भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई इस कंपाउंड में पूरे घर में कहीं पर कोई बंदा नहीं था। फिर उतने में मैं थोड़ा सा और पहले आया, तो भाई आया होता तो इसको होल्ड कर सकता था, बट यहाँ पे अभी तुरंत ये डासिया से एक बंदा जाता है और जो कि यहीं रुक जाता है। फिर मैं सोचता हूँ भाई रुका जाए यहाँ पे, फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार बंदे से फालतू में फाइट हो जाएगी। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 37 लाइव हैं और मैं यहाँ पे भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अभी मैं मरता तो मेरे माइनस भी हो सकते हैं। फिर मैं इधर से ऊपर आ जाता हूँ, ऊपर यहाँ पे 2-3 शेक थे, मैं पूरा चेकआउट करने लगता हूँ, जहाँ पे बंदे नहीं होंगे मैं वहीं पे रुक जाऊँगा। तो इधर बंदे रहते हैं, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाता हूँ, यहाँ पे नीचे भी एक शेक रहता है, तो नीचे वाले शेक लकड़ी वाले शेक पे मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कि दुकना जो है सेफ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे भी कोई बंदा है। तो इधर से मैं तुरंत भाग जाता हूँ और यहाँ ऊपर अभी लेफ्ट साइड में ऊपर जाऊँगा, उधर जो दो शेक हैं, एक लकड़ी का शेक, और तो मैं उधर जाके देखूँगा, अगर उधर कोई बंदा नहीं रहेगा तो वहीं पे होल्ड करूँगा। तो देख सकते हैं सामने वाला जो शेक है यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है। और अब भी भाई ये जोन श्रिंक होने वाला है, ये 5वां 6वां सर्कल है और यहाँ पे अभी 36 बंदे बचे हैं और मेरे यहाँ पे हैं 0 किल। तो यहाँ पे भाई ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ कि मुझे किल नहीं चाहिए, मुझे केवल पोजीशन निकालना है, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे हैं। तो यहाँ पे मैं बैठा रहता हूँ, बैठने तो उतने में यहाँ पे तो भाई अगर आप ऐसे पोजीशन में हैं, सेंटर होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ से आप ढेर सारे स्प्रे कर सकते हैं बंदों को, यहाँ से उतार सकते हैं, किल निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे एक बग्गी आती है जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था ये मेरे पीछे होल्ड करे, क्योंकि वहाँ से वो नेट वेट डाल के मेरे को फिनिश कर सकता था। लेकिन कुछ देर बाद वो बंदा जो है यहाँ से निकल जाता है, तो मुझे कुछ ज़्यादा उससे परेशानी नहीं थी, बट वो निकल के वो मेरे पास ही आने का ट्राई कर रहा होता है। तो देखो आप इधर मेरा पिंग हाई होता है या बंदे का पिंग हाई होता है मुझे समझ में नहीं आता, जिससे वजह से ये बंदा बच जाता है। फिर यहाँ पे जोन जो है मेरे से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो चुका था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने आप को फुल बूस्ट हील करता हूँ और अपना आगे का जो है देख के पूरा क्लियर करता हूँ जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही जोन श्रिंक हुआ, एक बंदे का फुटस्टेप आता है और इसको भी आराम से मार दिया। भाई पैदल वैदल ना घूमो, तुम्हें पावर का यूज करके आ जाना चाहिए था, तो जिससे तुम बच जाते। और ध्यान दिया करोगे शेक वेक के पास से, कभी कभी पैदल तो कभी ना जाएं, ठीक है। फिर मैं इधर आगे आता हूँ और यहाँ पे एक अच्छा सा लोकेशन देख के मैं शांति से इधर अपना मतलब लेटने वाला था। मैं सोचता हूँ पेड़ के पास रोक दूँ, बट ये पेड़ जो है जोन के बाहर रहता है। फिर यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ और यहाँ पे दोनों तरफ से अच्छा खासा कवर भी था, मतलब कोई बंदा मुझे मार नहीं सकता था। और यहाँ पे मैं टॉप 10 होने का मैं यहीं पे वेट करता हूँ। अभी बचे थे 15 बंदे और यहाँ पे कुछ बंदे जोन से मर जाते हैं और यहाँ पे मेरा टॉप 10 हो चुका था। तो भाई मैं एकदम बिंदास में गाड़ी लेके आगे जाता हूँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखना, ये भी मेरी एक गलती रहती है, कभी कभी टॉप 10 होने के बाद में मैं उछलने लगता हूँ। मे बी आप थोड़ा आराम से खेलें तो आपको चिकन डिनर भी मिल सकता है। तो बट यहाँ पे पीछे एक बंदा रहता है जिसको मैं एकदम ओपन में आके स्प्रे करता हूँ, बट ये बंदा उड़ के इधर से कहीं और दूर चला जाता है। फिर यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी घुमाता हूँ, मैं पास जोन भी नहीं था, मैं सोचा भाई अंदर जाके कहीं पर। फिर यहाँ पर मेरे ऊपर भाई बहुत गंदे तरीके से स्प्रे आता है और यहाँ पर देखना, मैं पहले ही गाड़ी से कूद जाता हूँ और जोन के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं पावर यूज करने का ट्राई करता हूँ, बट पावर की वजह से पावर के जगह पे ये पता नहीं क्या यूज हो जाता है और यहाँ पे मैं जोन में ही मर जाता हूँ। तो भाई ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा, आराम से खेलिएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। फिर भी इस मैच में मेरे यहाँ पे 16+ हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा
बाय बाय। और हाँ प्लीज़ यार कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। बाय बाय।